तो लैपटॉप खरीदते वक्त लोग ये देखते हैं कि उसमें प्रोसेसर क्या है, रैम कितनी है, जीपीयू कौन सा लगा है, मतलब तरह तरह की सारी चीजें सब कोई देखता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे लोग नहीं ध्यान देते, वो है आफ्टर सेल सर्विस उस कंपनी की तरफ से। क्योंकि यार भैया 1650 Ti लगा लो, 3060 लगा लो, i7 ले लो, i9 ले लो, भैया 2 महीने में लैपटॉप खराब हुआ और अगर कंपनी बना कर दी बनाने से, तो भैया जो आपको दिल में दर्द होगा ना, वो मुझसे पूछिए, मैं जानता हूँ और मैंने देखा है लोगों को जिन्हें ये दर्द हुआ। पर आज इस वीडियो में मैं Asus के सर्विस की बात करूंगा, और एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी Asus की सर्विस पे बनाई हुई थी जब मेरा लैपटॉप वारंटी पीरियड में था, पर अब ही मेरा लैपटॉप वारंटी में नहीं और अभी मैंने एक सर्विस ली, और मैं पूरा बताऊंगा कि इस सर्विस में मुझे क्या कॉस्ट पड़ी और क्या क्या उन्होंने सर्विस में किया। बाकी मेरा नाम है शुभांकर सिंह, वेलकम टू मिस्टर ऑसम शो। इसी के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी Asus के सर्विस से रिलेटेड, उसे भी आप देख लीजिएगा, वैसे उस पर काफी व्यूज मुझे मिले, तो लगा लोग कि इसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए मैं एक और बार सोचा बना दूं। और दोनों बार मैंने मैकेनिक को बुलवाया था, क्योंकि पिछली बार मैं हॉस्टल में था तो कॉलेज में ही मैकेनिक आ गया था और अभी फिलहाल मेरे घर पे आया था बनाने के लिए। और प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप में ये थी कि भैया 3 साल से यूज हो रहा है, थोड़ा सा उसमें डस्ट आ गया था, हीटिंग बहुत हो रही थी और मुझे थर्मल पेस्ट चेंज करवाना था, और मुझे थोड़ा सा उसमें सॉफ्टवेयर को अपने अपडेट करना था, थोड़ा क्लीन करना था, इसलिए मैंने अलग से एक हार्ड डिस्क खरीदी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम हार्ड डिस्क लेके नहीं आएंगे, ताकि मेरा पीसी अगर उन्हें रीसेट भी करना पड़े तो आराम से कर सके, तो मुझे मतलब एक न्यू क्लीन एक अच्छा सिस्टम मिल जाए। और मेरे लैपटॉप के विंडोज में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं हो रहा था एक वर्जन के बाद, और मैं अगर ऑफिशियल साइट से भी करना चाह रहा था तो वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि उन्हें बुलवा के मैं एक विंडोज अलग से ही डलवा दूंगा। तो मैंने Asus के कस्टमर केयर पे कॉल किया, उन्होंने कहा कि भैया जो आपकी सर्विस है उसके लगेंगे 800 रुपीज। मैंने कहा अरे भाई साहब, तो उन्होंने बताया कि फैन क्लीन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहे चलिए भैया ले लीजिए 800, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरे बजट के बहुत बाहर था। मेरा बजट 400 का था और थोड़ा 800 मेरे बजट के बाहर चल रहा गया, क्योंकि 400 ज्यादा लग रहा था, मैं देना नहीं चाह रहा था, पर लेकिन कहा कि ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब मैं कहां जाके इसे फिक्स करवा सकता हूं अपने सिटी में, तो उन्होंने एक लोकेशन बताई, मतलब वो मेरे घर से थोड़ा 7-8 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा कि आप मतलब वहीं से मैकेनिक मेरे घर पे भिजवा दीजिए तो मेरा और काम आसान हो जाएगा। तो भैया फिर उन्होंने कहा कि 500 रुपए लगेंगे मैकेनिक को घर पे आने के लिए। मैंने कहा यार मानता हूँ पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पर इतना भी नहीं बढ़ा है यार कि मतलब 7-8 किलोमीटर आने के लिए सीधा 500, यार इतनी दूर दूर से मेरे शिपमेंट आते 500 नहीं लगा भाई, इनको 7 किलोमीटर आने के लिए 500 लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक, मैं दूंगा आपको सीधा पूरा 1300, आप आके बनाइए जरा, देखूं आप ऐसा 1300 में करेंगे क्या। मुझे अब इंटरेस्ट मेरा जाग गया कि अब देखना है मुझे कि ये ऐसी क्या सर्विस ये देने वाले हैं। तो फोन करने के एक हफ्ते बाद मतलब वो इंजीनियर आया, तो मुझे तो सच्ची लगा कि Asus सीधा मतलब ताइवान से ही, जहाँ की इसकी कंपनी, वहीं से सीधा एक इंजीनियर भेज रहा है मेरी सर्विस के लिए, तभी इतना चार्ज वार्ज लग रहा है। आए तो उन्होंने पहले मेरी प्रॉब्लम पूछी कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा भैया हीटिंग थ्रॉटलिंग ये सब हो रही है, पीसी स्लो क्या है, इसको खाली करना है, साफ करना है, थर्मल पेस्ट चेंज करना है। तो उन्होंने मेरा लैपटॉप खोला, फैन निकाला, फैन को ब्रशी से ऐसे खर 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 मार दिया, और मुझे लगा कुछ स्प्रे वगैरह कुछ मारेंगे यार क्लीन करने के लिए, कुछ नहीं भैया सीधा सब ब्रश से ही हो गया काम। तो मुझे गिन के 4-5 बार बोलना पड़ा यार कि आप थर्मल पेस्ट भी लगा दीजिए, तब उन्होंने थोड़ा थर्मल पेस्ट भी लगा दिया। और यार थर्मल पेस्ट यार जितना उन्होंने लगाया, मैं मानता हूँ थोड़ा थर्मल पेस्ट महंगा होता है, पर जितना मेरे में यूज हुआ है 50 रुपए का भी नहीं होता है वो। और फिर मैंने उनको बताया कि मेरे विंडोज में एक अपडेट नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से एक अपडेट पे ये रुक गया है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी करना चाह रहा हूं तो नहीं हो पा रहा है, कुछ मतलब प्रॉब्लम थी विंडोज के साथ। और मैंने ये भी कहा कि थोड़ा मेरा पीसी रीसेट कर दीजिए, थोड़ा ब्रांड न्यू कर दीजिए, हार्ड डिस्क है मेरे पास, आपको बैकअप लेना आप ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मतलब उन्हें फिर मुझे घर से जाने देने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी उनकी और खातिरदारी करने का मन मतलब बहुत मन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो माफ करो। उन्होंने कहा भाई हमें सॉफ्टवेयर की उतनी नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर का हमें नहीं पता, अब हम पीसी रीसेट नहीं करते, हम सिर्फ हार्डवेयर से डील करते हैं। मैंने कहा आप आए 500 रुपए आपने डिलीवरी लिया और मतलब आप हार्डवेयर से डील करते हो, सर्विस का मतलब क्या होता है यार, हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर, आपको सर्विस करना है लैपटॉप, आपको
करना है कि कस्टमर का लैपटॉप फास्ट हो जाए। फिर आप ये आके कस्टमर से बोलोगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं है यार, तो फिर कस्टमर तो बहुत आप पे प्यार फूल तो बरसाएगा नहीं। लेकिन मैंने कहा रहने दो भाई, प्यारी फूल बरसाते हैं और उनको सीधा अलविदा कहते हैं, आप जाइए आपका हो गया, बस इतना ही आपसे सुनना ही था हमें। मैं मानता हूँ मैं CSE का स्टूडेंट हूँ, रीसेट वीसेट करना मुझे आता है और रीसेट मैं आराम से कर देता, बस मुझे ये डर था कि विंडोज अगर मैंने एक बार हटाया या रीसेट करने पे लगाया तो कहीं मेरा विंडोज परमानेंट ना हट जाए, क्योंकि मेरा एक अपडेट पे रुका हुआ था और वो विंडोज मेरा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा मुझे डर था और मैं इसीलिए इन्हें इनसे करवाना चाह रहा था कि अगर इनसे कुछ गड़बड़ होगी तो ये मुझे विंडोज दे देंगे। लेकिन नहीं ऐसा, तो फिर इन्होंने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया कि हमें सॉफ्टवेयर का नॉलेज ही नहीं है। मैंने कहा बहुत सही। तो यार Asus का मैं थोड़ा फैन हूँ और मुझे Asus के प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं, मतलब उसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनोवेटिव होते हैं, नए नए कुछ ये काम करता रहता है, लेकिन जब ऐसी सर्विस मिलती है यार तो फिर कंपनी पर डाउट होने लगता है। अब फ्यूचर में अगर मुझे Asus का लैपटॉप या Asus का कुछ भी लेना होगा तो मैं ये बार बार सोचूंगा यार कि कहीं फिर से ऐसी सर्विस मिलेगी यार तो दिक्कत होगा, तो मतलब अभी डाउट मेरे अंदर आ गया है Asus के लिए। बाकी मैं आपसे यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि अगर आप Asus का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस मिल सकता है सर्विस के लिए। तो आप कोई भी मतलब प्रोडक्ट लो, मैं किसी कंपनी को ये नहीं बोला कि बहुत अच्छी है, सारी कंपनी में कुछ ना कुछ होता ही है, तो सर्विस का भी थोड़ा ख्याल रखना कि उस प्रोडक्ट की सर्विसेज कैसी हैं आपके एरिया में। कोई अगर आपके नेबरहुड में किसी ने सेम प्रोडक्ट लिया और उसने सर्विस करवाई है तो आप एक बार उससे पूछ लीजिए कि कैसी है। बाकी इस वीडियो से कुछ भी आपको थोड़ा सीखने को मिला या कुछ भी आपको थोड़ा मेरे लिए तकलीफ हुई तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे या सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत तुरंत सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा यार बिंदास पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने वीडियो थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड किया, बताइएगा कैसी क्वालिटी लगी। बाकी देश को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, हमें भी थोड़ा स्वस्थ रखिए, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।